भाई चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए गूगल ने अपना पिछले साल बार्ड नाम का एआई टूल लॉन्च किया था, लेकिन ये बार्ड टेक्नोलॉजी की दुनिया में ज़्यादा कुछ बार्ड नहीं ला पाया। तो भाई इसका नाम उन्होंने जेमिनी कर दिया इस साल। क्या नाम बदलने से काम बदलता है, ये जानने में इंटरेस्ट हो तो भाई ये वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई जेमिनी की मदद से आप कौन से ऐसे ऑफिस के सात काम कर सकते हैं, प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जी हाँ, मैं प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जेमिनी के जरिए मैं सात प्रोडक्टिव काम तो करने वाला हूँ, लेकिन उसे एक्सेस कैसे करना है वो पहले देख लेते हैं। भाई आप अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करो, यूआरएल में gemini.google.com आप टाइप कर दीजिए और उसके बाद आप देख पाएंगे भाई जेमिनी पे आ चुकी है। सिंपल है, जीमेल आईडी से आपको साइन इन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे एक सेटिंग ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आपको थोड़ी सी सेटिंग करनी, जैसे कि एक्सटेंशन में जाकर आपको कुछ एक्सटेंशन इनेबल करने, यहाँ पे गूगल वर्कस्पेस, उसके बाद गूगल का यूट्यूब जो है बेसिकली उसे भी इनेबल कर लीजिए, गूगल मैप्स इनेबल कर लीजिए, बाकी एक्सटेंशन काम के नहीं है फिलहाल, तो ये इतने इनेबल रखिए, बाकी के डिसेबल रख दीजिए। उसके अलावा यहाँ पे डार्क थीम भी ऑप्शन नीचे सेटिंग में मिल जाता है, उसे भी आप इनेबल कर लीजिए ताकि आपको डार्क थीम में काम करने के लिए कंफर्टेबल लगे। अब हमें इसमें प्रॉम्प्ट टाइप करने और अपने साथ प्रोडक्टिव काम करवा लेने। तो पहला प्रोडक्टिव काम करवाने के लिए बेसिकली प्रॉम्प्ट क्या लिखूंगे या काम क्या रहेगा, मतलब बेसिकली मैं एक्सेल पे बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, और मुझे बहुत सारी बार फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ती है। एग्जांपल के लिए मैं प्रॉम्प्ट बता देता हूँ कि मेरा टास्क क्या है। मेरे पास एक एक्सेल फाइल है जिसमें एम्प्लॉय की नेम और एम्प्लॉय की बर्थ डेट है। अब मैं क्या चाहता हूँ जेमिनी के ज़रिए, मैं चाहता हूँ कि उस एम्प्लॉय की एज मैं निकालूँ, तो मैं किस तरह से प्रॉम्प्ट लिखूंगा यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। आई वॉन्ट टू कैलकुलेट एज ऑफ एम्प्लॉयज इन माई एक्सेल फाइल, एम्प्लॉय बर्थ डे इज लोकेटेड इन कॉलम बी, सो गिव मी फॉर्मूला फॉर दैट। ये सिंपल सा प्रॉम्प्ट मैं लिख दूंगा। ये प्रॉम्प्ट आप क्या कर लो, बस यहाँ पे टाइप कर लो, एंटर कर लो। जैसे आप एंटर कर लेते हो या फिर यहाँ पे क्लिक कर देते हो, इस जेमिनी को सेंड कर देते हो ये चैट, तो कुछ ही सेकेंड्स के अंदर आप देख पाओगे यहाँ पे फॉर्मूला आ चुका है, और ये फॉर्मूला आप कॉपी करके आपके एक्सेल में डालो और रिजल्ट मिल जाएगा। तो एक्सेल के ऐसे ढेर सारे फॉर्मूला जनरेट यहाँ पे कर सकता है। तो ये पहला प्रोडक्टिव काम है कि भाई आप एक्सेल में जब काम करो, ऑफकोर्स आप ऑफिशियल काम करते हो तो एक्सेल कभी ना कभी आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, और जो लोग डेली एक्सेल में काम करते हो तो उनके लिए तो भाई गेम चेंजिंग है अगेन ये AI टूल। चलो ये तो चैट GPT भी करवा सकते हैं, वैसे मैं आपको जेमिनी का बता रहा हूँ कि भाई ये इफिशियंटली अभी काम करने लग गया है। अब दूसरा काम यहाँ पे देते हैं हम, फिर से एक्सेल में मैं देने वाला हूँ। एक्सेल में कई बार हमें भाई कोडिंग करनी होती है, कोडिंग के जरिए ऑटोमेशन करनी होती है, तो क्या ये जो VBA कोड है वो भी जनरेट कर देता है ये जेमिनी, तो देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, राइट एक्सेल VBA कोड टू सेपरेट टेक्स्ट एंड नंबर फ्रॉम दी सेल, राइट। एक्सेल में टेक्स्ट और नंबर है तो उसको भाई सेपरेट करना है, तो उसके लिए VBA कोड मुझे चाहिए, तो वो VBA कोड मैं यहाँ पे लिखने के लिए उसे बोल दूंगा। तो ये जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इसका VBA कोड भी यहाँ पे लिख के दे रहा है। यूजुअली क्या होता है कि भाई ये VBA कोड अगर आप एक प्रोग्रामर हो, मतलब एक्सेल में प्रोग्रामर हो, एक्सेल में ऑटोमेशन करना जानते हो, तो भाई आपको जाएगा आधा घंटा एक घंटा भी जा सकता है ये कोडिंग लिखने के लिए। आप बोलोगे छोटा सा तो कोडिंग लिखना है, नहीं इसमें लॉजिक होता है, टाइम स्पेंड करना पड़ता है तब जाके ये कोडिंग आता है, लेकिन यहाँ पे ये कोडिंग फटाफट टाइप हो रहा है। ये दूसरा प्रोडक्टिव काम यहाँ पे हो रहा है। चलो अब तीसरे प्रोडक्टिव काम की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ले लो, बहुत सारी बार हम YouTube पे वीडियो देखते रहते हैं, मतलब कंटेंट स्टडी करते हैं, बहुत सारा कंज्यूम करते हैं, और हमारे पास कभी कभी टाइम नहीं रहता है कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि YouTube पे बहुत सारे कंटेंट है, बहुत सारे अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन तो हम ले नहीं सकते, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन हमें लेनी है तो भाई एक एक घंटे का पॉडकास्ट देखो, एक एक घंटे का वीडियो ट्यूटोरियल देखो, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा है। तो भाई उस पर्टिकुलर वीडियो की अगर हमें समरी मिल जाए तो बढ़िया हो जाएगा, तो वीडियो की समरी लेने के लिए भी जेमिनी यहाँ पे बहुत काम आता है। करना क्या है, प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, देखिए @YouTube आपको लिखना है, @YouTube लिखते ही YouTube का एक्सटेंशन यहाँ पे ना इनेबल हो जाता है, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्पेस करके @YouTube स्पेस, उसके बाद आपका जो वीडियो आप जिस जो भी पॉडकास्ट का समरी चाहते हो, जो भी वीडियो का समरी चाहते हो, उसका URL आपको कॉपी कर लेना है ब्राउज़र से, URL कॉपी करके वो URL यहाँ पे टाइप करना है, मतलब पेस्ट करना है स्पेस करके @YouTube स्पेस URL, उसके बाद स्पेस देके आप लिख सकते हैं गिव मी द समरी ऑफ अबो वीडियो, राइट। इस तरह से आप लिखो, एंटर करो, एंड देन बूम, ये जो AI है कुछ ही सेकेंड्स के अंदर इसकी समरी भी आपको निकाल के देता है, राइट। अब इस समरी से रिलेटेड भी कुछ सवाल आपके हैं तो आप नीचे पूछ सकते हो, और कंटिन्यू इससे चैट करके और अलग अलग सवालों के जवाब ले सकते हैं, या फिर कुछ चीज़ें जो समझी नहीं उस समरी में तो उसको इलेबरेट करने के लिए आप उसे बोल सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग AI टूल है, अगेन इसका यूज़ आप करके देख लीजिए। अब ये तीन प्रोडक्टिव काम मैंने बता दिए, अब चौथा काम भी बता देता हूँ भाई। सपोज़ एग्जांपल के लिए ले लो कि भाई आप एक डाइट, फूड डाइट बनाना चाहते हैं, जैसे आप अपना वेट लूज़ करवाना चाहते हैं या फिर गेन करवाना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं
आई एम लुकिंग टू लूज अ वेट अप टू 10 kg. माई करंट वेट इज 85 kg एंड आई एम वेजिटेरियन. सो गिव मी प्रॉपर डाइट प्लान. ऑल्सो यू कैन मैंशन लॉट ऑफ थिंग्स. भाई पूरा प्रॉपरली कॉन्साइज फॉर्म लिख दो. आपको क्या चाहिए उससे, किस तरह से आप क्या एक्शन चाहते हो, भाई उसका रिजल्ट क्या है, तो उस तरह से आपको प्रॉम्प्ट लिखनी पड़ेगी. तो इस प्रॉम्प्ट में मैंने सारा मेंशन कर दिया और ये एंटर करते ही मुझे ये रिजल्ट दे रहा है कि भाई आपका डाइट प्लान क्या चाहिए, राइट. अगर आपको लगता है कि यार आपको कोई चीज़ की एलर्जी, तो यू कैन मेंशन इट और वो उस तरह से डाइट आपको लिखवा देता है या दे डाइट प्लान. वाओ ग्रेट. सो दिस वॉज फोर्थ प्रोडक्टिव वर्क. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ फिफ्थ प्रोडक्टिव वर्क. और ये है कि भाई यहाँ पे आप आइटनरी भी डिज़ाइन कर सकते हैं. आइटनरी डिज़ाइन मतलब जैसे मुझे केरला घूमने के लिए जाना है, सो आई एम प्लानिंग ट्रैवल टू केरला इन समर. आप लिख सकते हैं सो आई वांट टू एक्सपीरियंस लोकल कल्चर टू क्रिएट पॉसिबल आइटनरी फॉर मी. तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि भाई मुझे मेरे लिए एक प्रॉपरली आइटनरी बना के दो और ये मेरा प्लान है. तो उस प्लान के अकॉर्डिंग वो आइटनरी यहाँ पे डिज़ाइन कर रहा है आपके लिए और आप डिज़ाइन कर सकते हैं. आप मेंशन भी कर सकते हैं कि भाई जैसे 7 दिन का चाहिए या फिर मुझे 2 वीक का चाहिए. तो 2 वीक मेंशन करोगे तो उसके हिसाब से आइटनरी डिज़ाइन करके देगा, कैसे स्टे होगा, कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, सब कुछ आपको मिल जाता है यहाँ पे. तो भाई ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको स्पेसिफिक कमांड देने के बाद या कमांड प्रॉम्प्ट देने के बाद मिल जाती है. गूगल पे क्या होता है, लोग समझते नहीं, मतलब लोगों को लगता है कि यार गूगल या फिर जो भी माइक्रोसॉफ्ट का बिंग सर्च इंजिन है वो सब जेमिनी और चैट जीपीटी की तरह नहीं. जेमिनी या चैट जीपीटी जो AI टूल है, बेसिकली स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देते हैं आपकी स्पेसिफिक कमांड को लेकर. लाइक आपका जो प्रॉम्प्ट है, कमांड मतलब मेरा कहना है कि प्रॉम्प्ट को लेकर वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देता है आपको जो चाहिए. ओके, सो नाउ नेक्स्ट प्रोडक्टिव वर्क की तरफ बढ़ते हैं. मैंने आपको 5 अलग अलग बताए. 6 नंबर का प्रोडक्टिव वर्क ये है कि भाई आप यहाँ पे कोल्ड ईमेल्स भी लिख सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को लिख सकते हैं. तो कैसे लिखना है कोल्ड ईमेल? सपोज एग्जांपल ले लो, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ यूट्यूब के ऊपर और मुझे अलग अलग जो स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करते हैं कंपनीज, उनको मुझे क्या करना है, उन प्रोडक्ट कंपनीज को मुझे ईमेल लिखना है. तो हमारे ज़्यादातर स्पॉन्सर्स रहते हैं लाइक वंडरशेयर फिल्मोरा. वंडरशेयर आपने नाम सुना ही होगा, नहीं सुना तो बता दो. ये वीडियो एडिटिंग टूल है इनका, इनका डेमो क्रिएटर टूल है, इनके बहुत सारे टूल है, PDF एडिटर है, बहुत सारे टूल्स हैं इनके. और मैंने मुझे लगता है कि उनके सभी के सभी टूल का अलग अलग स्पॉन्सरशिप ले अपने चैनल्स पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे. तो मुझे उनके लिए एक कोल्ड ईमेल लिखना है. तो मैं कैसे लिखूंगा? आई एम रीचिंग आउट टू मार्था टू एट वंडरशेयर प्राइवेट लिमिटेड. अब यहाँ पे आई एम रीचिंग आउट के आगे वो पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिखना है जिससे आप कनेक्ट होना चाहते हो उस पर्टिकुलर कंपनी में, राइट. तो उसका नाम ले लो. सो आई एम रीचिंग आउट टू मार्था, यहाँ पे मैंने नाम लिया है मार्था, एंड जिससे हम हमेशा कनेक्ट होते हैं, एट वंडरशेयर प्राइवेट लिमिटेड अबाउट पोटेंशियल बिजनेस अपॉर्चुनिटी. माई नेम इज सतीश एंड आई एम अ कॉन्टेंट क्रिएटर ऑन यूट्यूब. आई हैव 500K फॉलोअर्स. फिलहाल जिस पर्टिकुलर चैनल पे आप देख रहे हैं इसके 500K फॉलोअर्स है. वैसे देखा जाए तो हमारे बहुत सारे और भी चैनल्स हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेकआउट कर लेना. तो फिलहाल ये मैंने मेंशन किया, एंड राइट अ कोल्ड ईमेल फॉर मी मैंने मेंशन किया. सो ये सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद प्रॉम्प्ट के अंदर एंटर कीजिए एंड आपको यहाँ पे पूरा का पूरा ईमेल लिख के मिलेगा. यहाँ पे याद रखो कि प्रॉम्प्ट के अंदर आप प्रॉपर चीज़ें मेंशन करोगे वही आउटपुट आपको मिलने वाला है. तो प्रॉम्प्ट मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा चाहिए तो आपको, और वैसे भी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, आप यही प्रॉम्प्ट टाइप कर सकते हैं और देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं. अब 7वां प्रोडक्टिव काम, भाई 6 तो बता दिए, अब आखिरी प्रोडक्टिव काम है. लेकिन ये काम बताने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा. अगर आप अपने लाइफ में प्रोडक्टिव चीज़ें करना चाहते हैं, लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, डेटा एनालिटिक्स में करियर करना चाहते हैं, तो हमारे अलग अलग लाइव वेबिनार होते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. ये हमारे कुछ प्री रिकॉर्डेड कोर्सेस है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं डेटा के ऊपर काम करने के लिए, क्योंकि एक ऐसा फास्टेस्ट ग्रोइंग करियर है जहाँ पे आपको एक अच्छी सैलरी मिलती है, जॉब सिक्योरिटी मिलती है और बहुत कुछ मिलता है. तो अगर आप इंटरेस्टेड हो भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने के लिए, पावर बी आई SQL ऐसे कोर्सेज, जस्ट गो एंड चेक इट आउट डिस्क्रिप्शन लिंक्स. ओके, फिलहाल तो 7वां प्रोडक्टिव वर्क मैं आपको बताने वाला हूँ. 7वां प्रोडक्टिव वर्क जो अभी मैंने कहा कि भाई यार हम सीख सकते हैं, मेरे कोर्सेज से भी आप सीख सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज सीखनी है, जैसे आपको सीखनी है बोलने के लिए फ्रेंच या फिर आपको इंग्लिश सीखनी है, तो आप जेमिनी जैसे AI टूल से भी सीख सकते हैं. बस यहाँ पे जेमिनी को आपको बोलना है कि भाई यार इस पर्टिकुलर हिंदी टेक्स्ट का मुझे इंग्लिश करके दो. हिंदी टेक्स्ट लिखो एंड ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश आप बोल सकते हैं, या पैराग्राफ लिखो वो पूरा का पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देगा. नॉट जस्ट दैट गाइज, ट्रांसलेट तो छोड़ो, आप यहाँ पे कंटिन्यूस चैट कर सकते हैं इसके साथ. तो यहाँ पे वॉइस कमांड है, इसके जरिए आप वॉइस कमांड दो कि भाई यार ये मैं सिचुएशन में हूँ, तो मैं किस तरह की इंग्लिश या कैसे मैं स्ट्रेंजर के साथ बात करूँ. इंटरव्यू मुझे देना है तो इंटरव्यू के लिए मुझे क्या क्या बोलना चाहिए, क्या क्या प्रिपरेशन होना चाहिए, वो इंग्लिश में आपको लिख के देगा. और बहुत सारी चीज़ें हैं लैंग्वेज सीखने के लिए, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है क्योंकि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, इसे LLM कहते हैं भाई AI टूल को.
तो ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, तो भाई इसमें आप लैंग्वेज आसानी से सीख सकते हैं। ट्राई कीजिए, मतलब बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद आपको आ जाएगा एंड आपका एक गाइड बन जाएगा यहाँ पे। तो AI सब कुछ नहीं है, लेकिन AI बहुत कुछ कर रहा है। डेटा फील्ड में तो AI बहुत कुछ कर रहा है, और इससे रिलेटेड भी हमारे लाइव वेबिनार्स होते रहते हैं, उसकी भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर ज्वाइन कर लेना। जब भी लाइव वेबिनार रहेंगे उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे, उसके लिए हम फॉर्म देते हैं डिस्क्रिप्शन में, वो चेकआउट कीजिए। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही कि भाई मैंने आपको बताया कि भाई ये है जेमिनी का यूज़। कैसे लगा मुझे ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले, साथ में शेयर करें लोगों के साथ, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना यार, नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कुछ इंटरेस्टिंग और भी सीखने मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।